अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी, जो है उड़द दाल, जिसको माश की दाल भी कहते हैं। और ये नॉन स्पाइसी लोगों के लिए है, जिनको स्पाइसी खाने नहीं पसंद वो ये दाल बना के मज़े से खा सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप माश की दाल ली है, जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। इसके अलावा मैंने ये 4 से 5 गोल लाल मिर्चें ली हैं, और नमक लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और ऑयल लिया है, और ये प्याज बघार के लिए ली है, और इसके अलावा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा आपने लेना है। मेरे पास ये वाला कप है, इसका मैंने 1 कप दाल ली है। सबसे पहले एक पैन ले लें, उसमें दाल ऐड करें और उसमें 1 से 1.5 कप पानी ऐड कर दें, और साथ ही उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और गोल लाल मिर्चें ऐड कर दें और नमक। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, और साथ ही आपने इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देना है और इसको मिक्स करना है, और इसको आपने तकरीब ढक के रख देना है जब तक के जो पानी है वो खुश्क ना हो जाए। ये देखें तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकने के बाद इसका पानी बहुत कम रह गया है। अब इसका बघार का लगाने का टाइम आ गया है। अब हम इस पर लगाएंगे बघार, और दाल अच्छी तरीके से गल गई है। बघार के लिए आप एक फ्राई पैन ले लें, उसमें ऑयल ऐड करें और उसमें प्याज ऐड करें, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। ये देखें प्याज का कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है, जैसे हमें चाहिए। इस टाइम आप फ्लेम ऑफ कर दें, और अब हम लगाएंगे दाल पे बघार। दाल पे आप लगाएं मज़े का तड़का और इसको एंजॉय करें। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, इसमें कोई मसाले यूज़ नहीं होते और आप ये मज़े से खा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।